हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, एक मिशन है, और यहाँ जम्मू में हम जो दिखा रहे हैं ये हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा है। We are so thankful that somebody came out and showed us this movie, and we have a lot of emotion. I'm actually choking right now. Wonderful movie. Such a, I just want to give you guys a hug for doing, making such a good, great movie. सो गाइज, आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बहुत थॉट प्रोसेस के बाद बना रही हूँ कि वेदर आई शुड मेक दिस वीडियो और नॉट, बट एट द एंड मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जो आज का वीडियो है ये हमारे सर्वाइवल का वीडियो है, हमारे साथ जो हुआ है उसका स्टोरी है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, माई व्लॉग लेन। मैं हूँ आप सबकी मीनाक्षी, ए के मैकी, हैशटैग ए प्राउड कश्मीरी पंडित। सो गाइज, ये जो मैंने आज हैशटैग यूज़ किया प्राउड कश्मीरी पंडित, ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ द कश्मीरी फाइल्स के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर विवेक अग्निहोत्री सर, पल्लवी जोशी मैम, अनुपम खेर सर ऑल्सो फॉर हिज ट्रमेंडस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच दर्शन राहुल सर, मिथुन चक्रवर्ती सर, भाषा असेंबली मैम एंड द होल कास्ट and the whole team of the Kashmiri Files. Thank you so much for bringing out our story like this, because this the Kashmiri Files is not a movie. ये हमारी story है, हमारी survival की, हमारे साथ जो हुआ उसकी, जो exodus हुआ है कश्मीरी पंडित के साथ उसकी स्टोरी है, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। इस मूवी में कोई भी मिर्च मसाला, कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं मिलेगा guys. सो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 1990 से। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, मैं पंडित फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो जो हमारे साथ एग्जोडस हुआ 1990 में, जो लाइक जो हमारे साथ जेनोसाइड हुआ एक्चुअली, वो मैं सिर्फ 9 दिन की थी जब ये जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था। 9 दिन के बच्चे को क्या पता रेप क्या होता है, मर्डर क्या होता है या जेनोसाइड क्या होता है। सो जब हम अपने घर वालों से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने माता पिता से जब हम ये स्टोरी सुनते थे तो हमको पता नहीं लगता था कि एक्चुअल हुआ क्या होगा, लेकिन जब आज द कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी तो पता चला एक्चुअल में जेनोसाइड किसे कहते हैं। गूज़बम्स आ रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने घर की एक स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी मैंने अपने बड़ों से सुनी है, अपने एल्डर से सुनी है, कि 1990 की जनवरी का महीना था जब मतलब ये सारा जेनोसाइड स्टार्ट हुआ। मम्मी बोलते हैं कि मेरी मॉम जो है मुझे बोलते थे, हम खाना खा रहे थे और एकदम जैसे नॉक हुआ दरवाजे पे, एंड नॉक होने के बाद हम बाहर देखा तो बाहर निकलने से पहले हजार बार लाखों बार रुक चुके थे कि दरवाजे पे हमारी मौत खड़ी है, शायद दरवाजे पे मौत खड़ी है। जैसे तैसे दरवाजा खोला और वहां पे देखा इतना बड़ा पर्चा लगा हुआ था कि हमारा कश्मीर छोड़ के जाओ, जेंट्स चले जाएंगे, मर जाओ, अपनी बीवी बच्चों को, बीवी बेटी बहनों को यहीं छोड़ो, बीवी बेटियों के साथ हम अपना नया कश्मीर बसाएंगे, नया पाकिस्तान बसाएंगे। मतलब वो एक ऐसी नाइट है जो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स स्पेसिफिकली मेरे डैड याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो नाइट हम सिर्फ वहाँ से भागे नहीं थे, हमने पीछे अपनी पहचान छोड़ी, अपना होमलैंड छोड़ा जो हमने अपनी मेहनत से कमाया था, घर वो छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी, सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी छोड़ी, क्योंकि जब हम वहाँ एक मुसीबत से भाग के हम दूसरी मुसीबत में आए थे, जिन बड़े बड़े घरों में रहने की आदत थी अचानक से एक ही रात में पूरी दुनिया बदल गई। महल से हम निकल के एक इतने छोटे से टेंट में रहने लग गए, एक कैंपिंग, जब हम कोई कैंप करने जाते हैं वहां पे जितने छोटे टेंट होते ना कैंपिंग टेंट, उस टेंट में 8-8, 9-9 लोग रहने लगे। ना कोई वॉशरूम था, ना कोई टॉयलेट था, कुछ भी नहीं था, कोई बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, सर पे खुला आसमान था और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ, प्लीज आप वॉच दिस फोटो, हम कैसी कंडीशंस में रहते थे। एक टेंट में 8-8 लोग रहते थे, जब टेंट का कर्टन खोलते थे बाहर बिच्छू, सांप, गंदी नाली, मतलब क्या नहीं देखा है हमने, मतलब कांट इवन एक्सप्रेस कैसा था ये जेनोसाइड, रेप कैसे हुए,
मास मर्डर कैसे हुआ, मास रेप कैसे हुए, कैसे लेडीज को, आपने तो शारदा जी की स्टोरी देखी है कश्मीरी फाइल्स में, ऐसी न जाने कितनी लेडीज थी जिनका मास रेप होता था, जिनके बॉडी पार्ट्स काट के उनको फेंक दिया जाता था, जला दिया जाता था, माँ बाप के सामने उनके बेटों को गोली मार दी जाती थी, बेटों के सामने उनकी बच्चियों को, बच्चों को मार, 8-8 साल के बच्चों को गोली मारी है, 4-4 साल के बच्चों को, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, उन्हें तक इन लोगों ने नहीं बख्शा, उन्हें तक मौत के घाट उतारा गया। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं 1990 की। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या मतलब बाहर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सब लोग मुझे बोलते थे मीनाक्षी तुम कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ हुआ क्या था 1990 में हुआ क्या था, तो हम ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे एक्चुअली में हुआ क्या था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जाके ये मूवी देखिए, आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कश्मीरी पंडित के साथ हुआ क्या था। ये मूवी देखिए, इस मूवी में 110% रियलिटी दिखाई गई है, इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं दिखाया गया है। प्लीज जाके ये मूवी देखिए, आपको पता चलेगा कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ है, क्यों हमारे लिए ये एक जेनोसाइड था और किस मुसीबत और किस गंदगी में हमने अपने आप को पाला और कैसे सर्वाइव किया है हमने। इट इज अ स्टोरी ऑफ आवर सर्वाइवल, इट इज अ स्टोरी ऑफ आवर जेनोसाइड, इट इज अ स्टोरी ऑफ ए कश्मीरी पंडित। प्लीज गाइज गो एंड वॉच द कश्मीरी फाइल्स। सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, बट प्लीज जाके कश्मीरी फाइल्स देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है और जो हुआ उसके बाद हमने कैसी जिंदगी बसर की है, कैसे एक साथ 24 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, कैसे एक डरे सहमे हुए आदमी जो एक चावल के ड्रम में छुप गया, उस चावल के ड्रम में उसे गोली मार दी गई, एक जो चावल हम खाते हैं वो चावल खून से लथपथ थे। प्लीज जाके देखिए द कश्मीरी फाइल्स। मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इस मूवी को शेयर कीजिए। प्लीज जाके अपनी जो आपके सामने, गाइस एक और चीज, लोग सोचेंगे इसको शायद प्रमोशन कर रही है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हमारी स्टोरी देखिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए हमारे जस्टिस के लिए, हमारे साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में आप लोग देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, एंड जितना हो सके इस मूवी को देखिए, शेयर कीजिए और देखिए हमारी स्टोरी द कश्मीरी फाइल्स। थैंक यू। हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, एक मिशन है, और यहाँ जम्मू में हम जो दिखा रहे हैं ये हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा है। वी आर सो थैंकफुल दैट समबडी केम आउट एंड शोड अस दिस मूवी एंड we have a lot of emotion. I'm actually choking right now. Wonderful movie. Such a, I just want to give you guys a hug for doing, making such a good, great movie.